हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान। आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो कि डोसे के साथ भी खाई जाती है। तो इस चटनी को बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा, ये मैंने एक नारियल लिया है, ये भुने हुए चने लिए हैं 2 चम्मच, 2 लहसुन की कली ली हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं, हरा धनिया लिया है और 10-12 एक कड़ी पत्ता लिए हैं और ये सरसों लिए थोड़ी सी। पहले मैं इनको डालकर मिक्सी में पीसूंगी। अब हम इनको पीसेंगे और नमक डालूंगी 1 चम्मच। अब हम इसको पीसेंगे। ये देखिए, अब हमने पीस लिया है। इसको हम बाउल में निकालेंगे। इसमें अब हम छौंका लगाएंगे चटनी में। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। थोड़ी सी राई डालूंगी। अब हम छौंका लगाएंगे इसमें। इसमें मैंने थोड़ी सी सरसों डाली है और लाल मिर्च डाल दी है। और ये कड़ी पत्ता डालेंगे। गैस बंद करेंगे और अब हम इसमें चटनी में ये डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नारियल की चटनी तैयार हो गई है। और इसको चाहे आप इडली के साथ खाएं, मेदू बड़ा के साथ खाएं, डोसा के साथ खाएं, ये सब के साथ बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।